मैं मुंबई में ही पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म हुआ था भावनगर गुजरात में, क्योंकि वो मेरी मम्मी का नेटिव प्लेस है और सिर्फ मेरे जन्म के लिए मम्मी वहाँ पर गई थी अपनी मम्मी के घर। और उसके बाद जब से मैं 3 महीने की थी हम लोग यहाँ पर आ गए और मैं हमेशा से यहीं पर रही हूँ मुंबई में, तो मैं एक पक्की मुंबईआइट हूँ। बचपन से ही मेरे घर में बहुत ही पढ़ाई का माहौल था, यानी एकेडमिक्स पर बहुत ही फोकस था। मेरे पापा केमिकल इंजीनियर हैं और मेरी मम्मी जब तक मेरा जन्म हुआ उसके पहले एज अ टीचर पढ़ाती थी स्कूल में, तो एकेडमिक्स पर बहुत फोकस रहा है। तो बचपन से ही मैं और मेरी छोटी बहन है, हम दोनों को भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटरेस्ट हमारा एक डेवलप किया गया मम्मी पापा के द्वारा। और अगर एक बहुत थोड़ी सी बिलीव ना हो वैसी बात कहूँ तो ऐसा है कि जब मैं जूनियर के जी, तभी नर्सरी तो हुआ नहीं, होता नहीं था, और जूनियर के जी में जब मेरा एडमिशन हुआ तब मैं पढ़ना लिखना जानती थी। मतलब गुजराती न्यूज़पेपर में से मैं फ्लुएंटली पढ़ सकती थी और पहले दिन जाकर मैंने अपने टीचर का नाम स्लेट में लिखकर दिखा दिया, तो स्कूल में सब लोग बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे कि अरे वाह, इतनी छोटी बच्ची लिखती है, पढ़ती है। तो ये मेरे मम्मी पापा ने पहले से एक प्लेटफॉर्म बनाकर, मुझे और मेरी बहन दोनों को एक प्लेटफॉर्म बनाकर ऊपर रख दिया था। इसके बाद पढ़ाई में हमेशा से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मुझे इंटरेस्ट भी था। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जो मुझे नहीं पसंद थे पहले, जैसे कि मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, वैसा नहीं था पर मुझे थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करती थी। जैसे अगर 12 लिखा हो तो मैं उसको 21 पढ़ देती थी कभी कभी, तो थोड़ा सा डर रहता था हमेशा। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक चीज़ कही कि अगर तुम मैथ्स को प्यार करोगी तो मैथ्स तुम्हें प्यार करेगा, और यही हमेशा मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया। और हमेशा से मेरा एकेडमिक्स का जो परफॉर्मेंस था स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में भी, इट वॉज़ ऑलवेज वेरी गुड, थैंकफुली, क्योंकि मैंने मेरे पापा की बहुत सारी जो एडवाइजेज़ हैं वो हमेशा ध्यान में रखी और उस तरह से मैंने अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधारा। मेरी ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा अगर कहा जाए तो वो है सिंगिंग, वोकल म्यूज़िक। मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैं सच में बहुत छोटी थी, करीबन 2-2.5 साल की रहूँगी। तब एक बार नवरात्रि का प्रोग्राम था सोसाइटी में, तो मम्मी पापा मुझे लेकर गए थे नीचे और सब लोग गरबा कर रहे थे, और सबको देखकर मैं भी छोटी थी, मुझे भी मन हुआ, मैं भी नाचने लगी। तो पापा ने देखा कि मैं बिल्कुल ताल में तालियां बजा रही थी, मतलब यूजुअली बच्चे अपना मन करे उस हिसाब से नाचते कूदते रहते हैं, पर मैं बिल्कुल ताल में, जहाँ पर ताली बजनी चाहिए बिल्कुल वहीं पर ताली बजा कर नाच रही थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि इस बच्ची में ताल की समझ है। मेरे मम्मी पापा दोनों को ही म्यूज़िक का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छा गाते भी थे। उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुई नहीं थी पर उन्हें बहुत शौक था और वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे म्यूज़िक में कुछ आगे बढ़कर दिखाएं। तो जब ये उन्होंने मेरे बारे में ऑब्ज़र्व किया तो उन्हें लगा कि कुछ इसके लिए आगे करना चाहिए। मेरे मम्मी पापा के साथ बचपन से मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और मेरी छोटी बहन भी है, तो मैं और मेरी बहन जिस तरह से दोस्त बनकर हमेशा रहे हैं, वैसे मेरे मम्मी पापा का भी एक दूसरे से बहुत कमाल का बॉन्डिंग है। मतलब यूजुअली हम सोचते हैं ना कि कभी कभी ऐसे होता है कि अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो पहले मम्मी से बात करनी पड़ती है, फिर मम्मी कहती है कि ठीक है पापा से पूछ कर बताऊँगी, या मैं तो कुछ नहीं कहूँगी पापा से पूछ लो। तो ऐसा हमारे घर में मैंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब उन दोनों का जो टीम वर्क हुआ करता था मेरे मम्मी पापा का, वो ऐसा कमाल का था कि कोई लूप होल ही नहीं था। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मम्मी को मैं पूछ सकती हूँ या पापा को अलग से पूछ सकती हूँ, जो भी होना है मम्मी पापा दोनों साथ में मिलकर ही करते थे हमेशा। तो लेकिन मुझे आज, अब क्योंकि मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मुझे समझ में आता है कि ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मम्मी पापा का दोनों का जो एक टीम वर्क था, दोनों इक्वल्स की तरह हमें फेस करते थे और हमारे सामने आते थे, तो ये बहुत ज़रूरी था। और कुछ कुछ मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और कई मामलों में बहुत लीनियंट भी थे। जैसे अगर मैं याद करके कहूँ तो मेरा बर्थडे, मुझे बचपन से बहुत शौक होता था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए, बर्थडे के लिए मैं बहुत ही फैसिनेटेड होती थी, पर मेरे पापा और मम्मी का ये मानना था कि बर्थडे ठीक है आप सेलिब्रेट करो, लेकिन हर साल आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ या हर साल पार्टी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत रेयरली, मतलब आई थिंक 2 या 3 ही बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया मेरी पूरी स्कूल लाइफ में, लेकिन जब किया तो जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए होता था, जैसे कि जब मैं 8th में थी
तो मुझे हमेशा मन था कि बर्थडे गिफ्ट होना चाहिए, वो भी सरप्राइज़ होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे दिल से और कुछ कुछ होता है कि कैसेट ला कर दी थी, तो मैं इतनी खुश हो गई थी क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए थी। और जब मैंने मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि देखते हैं, सोचते हैं, लाएंगे। तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये मुझे मिलेगा एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो और क्योंकि मैं गाती भी थी तो ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट भी था कि यू नो उसमें से आप ए आर रहमान का म्यूज़िक है, आप उसमें से गाने सुनोगे, सीखोगे। तो वो हमेशा इस तरह से बैलेंस करते थे कि बच्चे खुश भी हों और साथ में कुछ उनको ज़रूरी, कुछ लाइफ में कुछ उपयोगी चीज़ हो ऐसी उनको ला कर दें। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे वो दोनों। जैसे मुझे बहुत मन था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थिएटर में जाके मूवीज़ देखूँ, तो मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिली। कॉलेज में आने के बाद हालांकि मैं देखने लगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सब लोग देखते हैं, पर उसके पहले मेरे फ्रेंड्स जाते थे। मैं इतना बुरी तरह मम्मी पापा के पास रोती थी कि मुझे भी जाना है, पर कभी मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा डिसीजन, जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे कश्मीर घूमने के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे बहुत मन था बचपन से कश्मीर जाने का, और एक्चुअली एक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। हमारी फैमिली ओरिजिनली, मतलब कुछ जनरेशन्स पहले से कश्मीर से बिलोंग करती है। तो ये जो स्टोरी है ये मुझे इतनी हमेशा से फैसिनेट करती थी, तो मुझे मन था कि मुझे कश्मीर देखना है। और मेरी फ्रेंड्स जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी जाना है उनके साथ। अब कश्मीर ऐसी जगह है कि जहाँ पर फैमिली के साथ खुद भी सब चले जाए तो भी थोड़ा सा टेंशन होता है, कि क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ है वहाँ पर। तो उन्होंने पहले थोड़ा सोचा, मुझे थोड़ी बहुत ज़िद भी करनी पड़ी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मुझे सच में इतना मन है तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और आई थिंक दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स ऑफ माय लाइफ। मुझे याद है मैं कुछ 4-4.5 साल की रहूँगी जब मैं जूनियर केजी में मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में। तो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है जिसमें फ्लैग होस्टिंग होता है, तो वहाँ पर कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ परफॉर्मेंस देते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि इस बच्ची से गवाते हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी लिखी हुई एक कविता जिसको उन्होंने खुद ही कंपोज भी किया था वो मुझे सिखाई, और मैं सीख भी गई, मैंने पूरी याद भी कर ली, और वो मैंने वहाँ पर गाई। और बहुत सारे ऑडियंस में हमारे सारे टीचर्स थे, मतलब जूनियर केजी से लेके 10th तक जो पूरा स्टाफ था स्कूल का वो हाजिर था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, प्रिंसिपल थे, और कुछ चीफ गेस्ट्स भी आए थे। तो उन सबके सामने इतनी छोटी उम्र में मैंने पहली बार माइक पर गाया, तो ये मेरा पहला परफॉर्मेंस था सिंगिंग का। स्कूल में से हमेशा मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। और मुझे याद है मैं फर्स्ट में जब थी तो प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए जो एक कॉम्पिटिशन होती थी इंटर स्कूल हमारे पी वार्ड की, तो वो JDT स्कूल करके एक स्कूल है मलाड ईस्ट में, वहाँ पर वो कॉम्पिटिशन हुई थी। और मैंने जाकर वहाँ पर गाया था और मुझे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो जब मुझे प्राइज़ जब अनाउंस हुआ तो मैं वहाँ पर गई, और जो प्राइज़ देने के लिए वो जो जज वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने देखा कि ये बच्ची इतनी छोटी है, वो कैसे इतनी बड़ी ट्रॉफी को उठाएगी। फिर मेरे टीचर को बुलाया और फिर उनको ट्रॉफी दी गई। और फिर बाद में जब हम स्कूल चले गए उसके बाद मेरे पापा आए थे और उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची थी ऐसे ट्रॉफी पकड़कर, तो वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास है। मैं इतनी मुश्किल से मैंने पकड़ी है उस ट्रॉफी को कि ऐसे लगता है कहीं गिर ना जाए अभी, पर उसमें आज भी वो ट्रॉफी मेरे स्कूल में है और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। एंड दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट जिसे कहा जा सकता है म्यूज़िक में मेरी, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसके बाद मेरे पापा ने सोचा कि कुछ और भी आगे किया जाए, तो वो मुझे लेकर गए आकाशवाणी पर, आकाशवाणी रेडियो। तभी तो FM नहीं होते थे, AM होता था, मुंबई ए स्टेशन था जिसमें गुजराती कार्यक्रम आते थे। तो वहाँ पर मुझे लेकर गए पापा और मेरा ऑडिशन हुआ। उन्होंने कहा कि ये बच्ची गा सकती है, बोल सकती है, तो मैंने कुछ पढ़कर सुनाया, मैंने गा कर दिखाया, उन्हें बहुत पसंद आया। और उसके बाद रेगुलरली मुझे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए। एक बहुरूपी नाम का प्रोग्राम आता था जो सिर्फ बच्चों के लिए था, तो उसके अंदर जाकर मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी, बहुत सारे गाने गाए, ये सब मेरा एक सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तब मेरे पापा ने सोचा कि ये सब तो चल रहा है लेकिन एक फॉर्मल ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए म्यूज़िक में। तो कांदिवली में गांधर्व संगीत महाविद्यालय की एक ब्रांच है जहाँ पर मुझे पापा लेकर गए और कहा कि इस बच्ची को मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाना है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये इतनी छोटी है, इसे हम कैसे सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो बेटा कुछ गाकर सुनाओ, तो मैंने गाया।
और उन्हें सच में ताज्जुब हुआ कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा गा रही है इतनी छोटी उम्र से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एडमिशन तो दे देंगे, हालांकि ये हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी हम एडमिशन देंगे। लेकिन जो मध्यमा प्रथम यानी कि फोर्थ ईयर जो होता है उसकी जब एग्ज़ाम आएगी तब उसे वेट करना होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी है 14 ईयर्स ऑफ एज। और मैं तब 6 साल की थी, तो मैं जब तक मध्यमा प्रथम में पहुंचती मैं सिर्फ 10 साल की होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि तब जाकर आपकी बेटी को रुकना होगा और उसके बाद ही वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर पाएगी। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, ये ज़रूरी है कि वो सीखे। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया और मंडे टू फ्राइडे वहाँ पर क्लासेस होते थे और मैं हमेशा स्कूल से डायरेक्टली, कभी कभी पापा लेकर जाते थे, कभी कभी मम्मी लेकर जाती थी, और रोज़ स्कूल से जैसे ही छूटकर मैं घर पहुँचती सीधा हम लोग चले जाते म्यूज़िक क्लास के लिए। कभी कभी बस में मम्मी कुछ डब्बे में दे देती तो वो खा लेती मम्मी के साथ जाते वक्त, पापा स्कूटर पर लेकर जाते थे तो स्कूटर भी कभी कभी खा लेती कभी कभी वहाँ पहुँच कर। तो ज़्यादातर मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा कि मैं स्कूल से लेकर म्यूज़िक क्लास, स्पोर्ट्स वोर्ट्स में इसीलिए मेरा ना इंटरेस्ट कभी डेवलप हुआ और ना कभी मुझे इतना मौका मिला, क्योंकि मेरा सारा टाइम इसी में चला जाता था। सिंगिंग मेरा इस तरह से शुरू हुआ, फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुई। आगे चलकर मैंने एक सब टीवी पर, उस वक्त जब मैं 10th में थी तो सब टीवी पर एक रियलिटी शो आता था, अनु कपूर जी ने उसे शुरू किया था, उसका नाम था आओ झूमे गाएं। तो ये बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिशन थी जिसमें तकरीबन छोटे से लेकर 15-17 साल के बच्चे कर सकते थे पार्टिसिपेट। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसका जो सेकंड सीज़न था उसकी मैं फ़र्स्ट रनर अप थी। तो ये मेरा पहला टीवी पर मैं पहली बार आई थी, एक्चुअली शायद ये पहली बार ऐसे आई थी कि मेरा नोटिसेबल एक परफॉर्मेंस हुआ, पर उसके पहले जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो अमित कुमार का एक क्लोज़अप, अंताक्षरी नहीं पर अंताक्षरी जैसा कुछ, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर वैसा एक शो था। तो उसका जो चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड था 14th नवंबर को, उसमें उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए, यूजुअली वो प्रोग्राम बड़ों के लिए था, पर 14th नवंबर को चिल्ड्रन स्पेशल प्रोग्राम रखा था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं जीती थी। तो वो एक एपिसोड था जिसमें मैं पहली बार टीवी पर दिखी थी और सब मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस में और मेरे सारे रिलेटिव्स इतने खुश हो गए थे। और उसके बाद आओ झूमे गाएं में मैंने टीवी पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैं रनर अप थी, और फिर उसके मेगा फाइनल में भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और वहाँ पर इतने बड़े बड़े कलाकार एज जज आते थे, जैसे मेगा फाइनल में मन्ना डे जी आए थे या निदा फाजली जी आए थे, परवीन सुल्ताना जी आई थी और भी बहुत सारे, महेंद्र कपूर जी आए थे। तो इन सब के आशीर्वाद तो मिले ही, पर उनकी सिर्फ बातों से या कभी कुछ थोड़ा सा कुछ सिखा दिया, ऐसा सुन सुन के इतना सारा, इतने संस्कार होते गए म्यूज़िक के। और उसके अलावा मैं सीखती थी क्लासिकल म्यूज़िक उस वक्त गौरी पाठारे जी से, जो बहुत ही कमाल की गायिका हैं। तो उन्होंने भी जो मुझे एक क्लासिकल के संस्कार दिए, तो वो एक अपने मन में मैं उतारती गई। और क्लासिकल के साथ साथ और भी जो फॉर्म्स हैं अपने, जैसे बॉलीवुड कह लो या गुजराती, मैं गुजराती हूँ तो गुजराती फोक म्यूज़िक मैंने गाया है, गुजराती सुगम संगीत गाया है, तो ये सारे अलग अलग म्यूज़िक के प्रकार मैं एक्सप्लोर करती गई और गाने की कोशिश करती गई। उसके बाद मुझे मिले मेरे गुरुजी कौमुदी मुंशी जी, जिनके पास मैंने ठुमरी, कजरी, चैती, होरी, इस तरह के लाइट क्लासिकल जो प्रकार हैं इंडियन क्लासिकल के, वो मैंने सीखे। और धीरे धीरे इस सभी का फ़ायदा होता गया और मुझे कहीं कहीं कुछ ना कुछ चांस भी मिलते गया। मैं स्कूल से फिर कॉलेज में आ गई, तो कॉलेज में बेसिकली मिठीबाई पर इसीलिए पसंदगी मेरी ये थी क्योंकि मिठीबाई एक ऐसी कॉलेज है जहाँ पर कल्चरल जो परफॉर्मेंसेस होते हैं या एक कल्चरल पूरी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस पर बहुत फोकस है, बहुत ध्यान दिया जाता है। तो पहले से ये डिसाइडेड था कि 10th होने के बाद एडमिशन तो मिठीबाई में ही लेना है। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा, मैं एकेडमिक्स में हमेशा बहुत अच्छी थी, 10th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे और मुझे कहीं ना कहीं मन था कि मुझे साइंस लेना है, लेकिन फिर हम सब ने मिलकर ये सोचा कि अगर मैं आर्ट्स लूँ तो शायद म्यूज़िक के लिए मुझे और ज़्यादा टाइम देने का मौका मिल पाएगा, इसलिए हमने ये सोचा कि चाहे जो भी रिज़ल्ट आए पर लेना है आर्ट्स, और वो भी मिठीबाई कॉलेज में जाकर। वहाँ पर मैंने मिठीबाई में एडमिशन लिया
और वहाँ बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स जो होते हैं, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, जैसे जेवियर्स का मल्हार फेस्टिवल होता है, एनएम का उमंग होता है, मिठीबाई का अपना क्षितिज होता है, और आईआईटी का मूड इंडिगो करके जो कि नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन होता है, उसमें सिंगिंग के अलग अलग कैटेगरीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने क्लासिकल में भी इनाम जीता है, मैंने गज़ल सिंगिंग में भी इनाम जीता है, मैंने बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की कैटेगरी में भी इनाम जीता है, और ड्यूएट, कोरस, ग्रुप सॉन्ग, ये सब बहुत कुछ मैं करती गई। मैंने कॉलेज अपने लिए सिलेक्ट की थी मिठीबाई। अब मिठीबाई का बहुत ही चार्म है, और जब मैं गई तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मैं यहाँ पर बिलोंग करती भी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं सच में बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की थी। ना मैंने कभी मेकअप किया था, ना मैंने कभी कोई यू नो स्टाइलिश हेयर कट की थी, कुछ भी नहीं। तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि शायद मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन फिर मेरी टैलेंट की वजह से मुझे जो कल्चरल टीम जो है मिठीबाई की, उसमें जिस तरह का एक्सेप्टेंस मिला, ना सिर्फ टीचर्स की ओर से पर दूसरे जो स्टूडेंट्स थे जो कि गाते थे, म्यूज़िक में थे, डांस में थे, ड्रामा में थे, उन सब की ओर से जो एक एक्सेप्टेंस मिला, तो उसकी वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई अपनी कॉलेज लाइफ में। फिर धीरे धीरे मैंने और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे स्कूल में से, बचपन से ही स्कूल में मैं कभी कभी एलोकेशन कंपटीशन में जाती थी, तो बोलने का एक मुझे एक आदत थी, तो वो मैंने कॉलेज में शुरू किया। उसके अलावा मैं मुझे मिठीबाई ड्रामा टीम में जाने का भी बहुत शौक था, तो मैंने ऑडिशंस दिए थे लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, पर वो मुझे मन था और वो मैंने करके मतलब मैंने एक अपना आई जस्ट ट्राइड माई हैंड कि मुझे करना है तो मैं एटलीस्ट ऑडिशन देकर देखती हूँ, तो वो मैंने किया मिठीबाई में। और गाना जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। मेरी बहन उपगना, शी हैड संग फॉर मूवीज़ कॉल्ड मकड़ी, तो मकड़ी में गाने के बाद उसे डिज्नी से कॉल आया था जंगल बुक 2 की डबिंग के लिए, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था कि जो गा भी सके और डबिंग भी कर सके। तो उसने जाकर उसका ऑडिशन दिया और उसका वॉइस अप्रूव हो गया, और उसने जंगल बुक 2 में शांति का कैरेक्टर जो था उसकी डबिंग की। अब उसका तो ये थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, मुझे डबिंग का ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने सिर्फ एक गुजराती मूवी में थोड़ा सा एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, और उसके अलावा मैं बचपन में रेडियो में ऑडियो प्लेज में मैंने काम किया था, तो वो थोड़ा सा एक अनुभव था। तो मुझे UTV से हमारे घर एक फ़ोन आया कि ऐसे ऑडिशन है नई सीरीज़ के लिए, तो एक्चुअली वो फ़ोन उपगना के लिए था, वो उसे बुलाना चाहते थे ऑडिशन के लिए, पर उसकी शायद एग्ज़ाम थी या वो बीमार थी, कुछ तो था, तो वो जा नहीं पा रही थी। तो इसलिए मेरे पापा ने पूछा कि मेरी और एक बेटी है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे लेकर आऊँ, आप उसका ऑडिशन कर लीजिए, उसे भी शायद आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लेकर आइए, हम देखेंगे। तो फिर मैं चली गई मेरी बहन की जगह ऑडिशन देने के लिए, और नितेश हरलकर, ही वॉज़ द डबिंग डायरेक्टर देयर, और जो फर्स्ट जो सीरीज़ ये जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया उसका नाम था The Adventures of Jimmy Neutron, और उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो था लिबी। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन किया, छोटी छोटी लाइन्स थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। तो मैंने ऑडिशन दिया, अच्छा हुआ, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही पेशेंटली मुझे सिखा कर करवाया, और मैं घर वापस आके मैं प्रे कर रही थी कि ये मेरा ऑडिशन बस अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे डबिंग का एक्सपीरियंस था नहीं, पर मुझे बहुत मज़ा आया था, और उसके अलावा एक स्टूडियो में जाके काम करने का जो एक अलग चार्म होता है वो इट इज़ समथिंग एल्स। मतलब मैं गाती थी तो मैं स्टेज शोज़ करती थी और मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो ये सब चल रहा था, लेकिन स्टूडियोज़ में जाकर गाने का मौका हर वक्त नहीं मिलता था। तो डबिंग अगर मैं करती तो मुझे स्टूडियोज़ में जाके काम करने का मौका मिलने वाला था। तो मैंने बहुत बहुत मन्नतें मांगी कि मुझे ये मिल जाना चाहिए काम, और कुछ ही दिनों में फ़ोन आया कि मेरा वॉइस अप्रूव हो गया था, तो मैं बहुत खुश हो गई, और फिर हमने उसकी डबिंग शुरू की। तो ऑडिशन एक अलग चीज़ थी, उसमें बहुत कम लाइंस बोलनी थी, और जब एक्चुअली हम डबिंग करने की हमने जब शुरुआत की तो दैट वाज डिफरेंट, और मुझे वो फ़र्क तुरंत समझ में आया, और थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रगल भी किया उसके साथ, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत ही पेशेंट थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिवली मेरे साथ काम किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं नई हूँ, और धीरे धीरे वो मुझे जमने लगा। आई थिंक शायद मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला और ऐसी सीरीज़ मिली जिसके अंदर मुझे इतना सारा इतने सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मुझे वो एक जो
जो शुरुआती एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा हम उस सिचुएशन से अब्सॉर्ब करते हैं नॉलेज, वो मुझे एक उस एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन में सीखने को मिला। और फिर वो जो मैं सीखी उसे मैं आगे लेकर गई और आगे मैंने डबिंग करना शुरू किया। जब हम हैरी पॉटर का नाम सुनते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट है, मतलब हर किसी के लिए, जो भी उसके साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी लाइफ में हैरी पॉटर बहुत ही शुरुआत में आ गया, मतलब मेरी डबिंग की जो करियर थी उसके काफ़ी शुरुआत में। मैंने आई थिंक कुछ मैं 8-9 महीने से डबिंग कर रही थी जब भी मुझे हैरी पॉटर के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो मैं वहाँ पर गई। तब तक मैंने मुझे पता था कि हैरी पॉटर कुछ बहुत बड़ी चीज़ है और आजकल सब लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं, पर मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी थी और मैंने उसकी कोई मूवी भी नहीं देखी थी। तो मैं ऑडिशन के लिए तो चली गई। एक्चुअली दो मूवीज़ हैरी पॉटर की पहले से आ चुकी थी जिसके अंदर हरमाइनी ग्रेंजर जो कि लीड कैरेक्टर है, हैरी, रॉन एंड हरमाइनी, दीज आर द 3 बेस्ट फ्रेंड्स जिनके आसपास ये पूरी कहानी चलती है। तो हरमाइनी का जो कैरेक्टर था वो पहली दो मूवीज़ में राजश्री ने किया था, पर कुछ रीजंस की वजह से शी वॉज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर। तो थर्ड मूवी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्केबान, उसके लिए ये ऑडिशन उन्होंने रखा था और जिसके लिए मुझे बुलाया गया। तो एलिजा लुइस, एली मैम, एली आंटी अब मैं उन्हें कहती हूँ प्यार से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं वहाँ पर गई। तो संजीत दास वहाँ पर डायरेक्टर थे उस वक्त और उन्होंने ऑडिशन करवाया। तो उस वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना था क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार डब हो चुका था ये कैरेक्टर, तो एमा वॉटसन जो कि एक्ट्रेस है उनको तो मुझे फॉलो करना ही था, पर साथ ही साथ जिस तरह से, जिस अप्रोच से राजश्री ने उस कैरेक्टर को निभाया था पहले दो मूवीज़ में, उसे भी फॉलो करते हुए, क्योंकि कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऑडिशन किया और सबको बहुत पसंद आया। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है मेरे लिए फ्यूचर में, पर ऑफकोर्स जहाँ भी मैं जो भी ऑडिशन करती थी मैं हमेशा होप करती थी कि हो जाए, तो मुझे भी काफ़ी उम्मीदें थी। और कुछ ही दिनों में फ़ोन आया कि मेरा वॉइस अप्रूव हो चुका है। तो पहले मुझे एली आंटी ने कहा कि पहली जो दो मूवीज़ हैं उसे देख लो, पता करो कि ये क्या चीज़ है हैरी पॉटर, उसकी स्टोरी क्या है, ये इस कैरेक्टर को, हरमाइनी के कैरेक्टर को किस तरह से डब किया गया है पहले, ये सब समझ के फिर हम शुरू करेंगे काम। तो तब तो मेरे घर में कंप्यूटर भी नहीं था, तो मेरी बुआ के घर जाकर सीडी लेकर हमने वो मूवीज़ देखी दोनों और फिर उसका जो डबिंग था वो हमने शुरू किया। तो जब डबिंग शुरुआत की तो इट वाज गोइंग ओके, मतलब कुछ कुछ रीटेक्स होते थे, चल रहा था। उसके बाद एक लाइन आई, मुझे अभी भी याद है वो सीन, हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों एक हिल से ऐसे उतरते हुए जा रहे हैं हैग्रिड के घर की तरफ। और उस मूवी में अगर आपने देखा हो तो हरमाइनी के पास एक मैगोनिगल, प्रोफेसर मैगोनिगल का दिया हुआ एक ऐसा एक पेंडुलम है जिसकी वजह से, जिसे टर्न करके वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। अब ये सिर्फ उसे पता था और किसी को पता नहीं था मूवी में। तो रॉन बड़ा कंफ्यूज था कि ये एक ही जगह पर, ये एक ही वक्त पर दो जगह पर कैसे हो सकती है। तो वो ट्राई कर रहा था हरमाइनी से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की, पर हरमाइनी उसे डिसमिस कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लाइन मेरी ये थी, तुम क्या कह रहे हो रॉन, एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगहों पर कैसे हो सकता है। तो ये मेरी लाइन थी और ये लाइन चल रही थी, वो उतरते हुए बोल रही थी तीनों। तो जो खड्डे वगैरह थे वो आने चाहिए, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आने चाहिए। वो नर्वस थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं जो मैं कर रही हूँ, जो सीक्रेट है मेरा, वो कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो एक नर्वसनेस, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो होना चाहिए। वो लोग हैग्रिड के घर कुछ सीरियस बात करने के लिए जा रहे थे, तो वो जो एंटिसिपेशन की फीलिंग थी वो भी आनी चाहिए। तो ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें बहुत सारे इमोशंस मुझे लाने थे। और इसके पहले, हैरी पॉटर के पहले, मैंने मोस्टली सिर्फ एनिमेशन के लिए डबिंग की थी और ये लाइव एक्शन में पहली बार कर रही थी और उसमें इतना कुछ, तो मुझसे इतना अच्छे से वो नहीं हो पा रहा था। तो संजीत जी, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे कहा कि परिग्ना, तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें डबिंग आती है। और मुझे इतना बुरा लगा कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन वो बुरा मुझे थोड़ी देर के लिए लगा, हमने उस लाइन को रोक दिया, हमने कहा कि ये हम लोग बाद में करेंगे। फिर हम आगे बढ़े और आगे का काम हमने किया जो कि काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद बची हुई मूवी हमें करनी थी नेक्स्ट डे। तो मैं घर पर गई
और मैं कंटिन्यूस यही सोच रही थी कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनकी जो बात करने का जो उनका ढंग है वो ऐसे कहते हैं कि बस बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा तीखा बना दो या इसको थोड़ा सा कड़वा बनाते हुए पीछे उस सेंटेंस में थोड़ी सी मिठास भर दो। अब ये इतना एब्स्ट्रैक्ट, इतना वेग होता है, उसे समझना और उसे अपनी आवाज़ में रिप्रोड्यूस करना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं बहुत नई भी थी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक लगन थी मेरे मन में और मुझे बस करना ही था, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया था कि आप जो भी काम करो अच्छे से करो, अपना 100% देना ही है, कुछ भी कर लो। तो मैं घर गई और मैंने, क्योंकि मेरी मेमोरी अच्छी है तो मुझे ऑलमोस्ट सारे डायलॉग्स याद थे जो भी मैं डब मैंने किए थे उस दिन। तो मैं घर पर जाकर वही सारे डायलॉग्स मैं अपने मन में बोलती रही। ऑलमोस्ट पूरी रात मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की कि मैं किस तरह से इस कैरेक्टर को आगे डब करूँगी नेक्स्ट डे जाकर। और मैंने इतना सारा प्रैक्टिस किया उसे, फिर हम नेक्स्ट डे जब डबिंग के लिए मिले तो पहला ही जो सीन था, इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल सीन अगेन। हैरी को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है और वो अकेला बैठा हुआ है स्नो में, और पीछे से जाके हरमाइनी उसके पास जाती है, शी ऑल्सो नोज़ कि ही इज़ अपसेट, तो वो उसे थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करती है। तो ये सीन से हमने शुरुआत की नेक्स्ट डे, और जो मैंने परफॉर्मेंस दी, संजीत जी इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि कल और आज में हो क्या गया, तुम कैसे इतना अच्छा कर रही हो आज। तो मैंने कहा चलो थैंक गॉड, जो भी मेहनत की, जो भी प्रैक्टिस की, एटलीस्ट उसका फ़ायदा तो हुआ। और फिर हमने वो सारी मूवी, पूरी मूवी डब की, और फिर पीछे चलकर जो जो डायलॉग्स उन्हें लगा था कि इसे और बेटर किया जा सकता है वो हमने दोबारा से किए, और एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीबडी वॉज हैप्पी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक दिस वॉज़ द बिगेस्ट ब्रेक दैट आई गॉट इन माई करियर, एंड दैट वॉज वेरी अर्ली इन माई करियर, सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। तो ये हैरी पॉटर की जो थर्ड मूवी थी उससे मैंने हैरी पॉटर में शुरुआत की। हरमाइनी ग्रेंजर, एमा वॉटसन जिस कैरेक्टर को निभाती हैं, उस कैरेक्टर के लिए डबिंग करने की मैंने शुरुआत की, और फिर उसके हर एक डेढ़ साल में, दो साल में उसका नेक्स्ट जो पार्ट होता था वो आता था। तो धीरे धीरे हम सारे पार्ट्स करने लगे। तो एक्चुअली ये पहली जो मैंने बात की कि पहली मूवी के टाइम में बहुत इनएक्सपीरियंस थी, बहुत नाइव थी, बहुत नई थी इंडस्ट्री में। जब चौथा पार्ट जो इसका आया, हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर, जो मेरे लिए सेकेंड मूवी था, तो वो जब हमने करने की शुरुआत की तो मैं बहुत नर्वस थी कि अब इस बार किसी को कंप्लेन का मौका नहीं मिलना चाहिए, मेरी तरफ से सब कुछ एकदम उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से होना चाहिए। तो हमने डबिंग की, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजिंग सीन्स थे, वो सारे हमने किए, और सब कुछ होने के बाद जब वॉर्नर ब्रदर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो फीडबैक आया पूरी डब्ड मूवी के लिए, उन्होंने कहा कि हरमाइनी इज़ द बेस्ट डब्ड कैरेक्टर इन हिंदी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने मेहनत की इतने गैप में, जो मुझे मिला थर्ड मूवी से लेकर फोर्थ मूवी के बीच में, वो रंग लाई, और इट वॉज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई हैव गॉट फॉर माई वर्क। उसके बाद आगे भी मूवीज़ में हम करते रहे, हम लोग उस कैरेक्टर के साथ, इतना सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि जो हैरी के लिए डब करता था उस वक्त करण करता था, करण त्रिवेदी, उसके बाद राजू कावा ने उसे टेक ओवर किया, और नचिकेत ने हमेशा रॉन का किरदार निभाया, तो हम सबके लिए एक बॉन्डिंग हो गया था क्योंकि हमने इतनी सारी मूवीज़ हम हर साल, हर दो साल में करते रहते थे। हमें बिफोर वी डब द मूवी हमें दिखाई जाती थी मूवी, और वो मूवी पहले देखने का यही पर्पस था कि हम उसे समझें और हम किस तरह से इस कैरेक्टर को इस मूवी के लिए अप्रोच करना है, उसे खुद सोच कर उसे एक उस सोच को लेकर आए और फिर उस तरह से परफॉर्म करें। बाय द टाइम वी वर डूइंग द सिक्स्थ एंड द सेवन्थ मूवी, मैंने हैरी पॉटर की सारी बुक्स पढ़ ली थी और मैं खुद इतनी बड़ी फ़ैन हो गई थी उस सीरीज़ की, उस फ्रेंचाइजी की। तो मुझे महसूस हुआ कि हालांकि मैंने सबसे पहले जब मैंने डबिंग की तो मुझे हैरी पॉटर के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था, और अब मैं एक डाई हार्ड फ़ैन थी। तो इतना एक इतनी अच्छी फीलिंग है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो और उस प्रोजेक्ट में आपको जुड़ने का मौका मिलता है, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, मतलब आपके लिए इट बिकम्स अ ड्रीम कम ट्रू। हालांकि मुझे ये एहसास बाद में हुआ कि इट वॉज़ अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर मी, पर इट वॉज़ एक्चुअली लाइक दैट। और मैंने पूरी हैरी पॉटर की सीरीज़ करते हुए बहुत बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और बहुत एंजॉय भी किया है। हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर, ये मूवी जब रिलीज़ हुई तब उसका प्रीमियर हुआ था जुहू पीवीआर में,
और उस पूरे इवेंट को कवर किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, और हम सारे जो आर्टिस्ट थे हम सबका इंटरव्यू किया गया था, और फिर वो जब छपा था तो बहुत खुशी हुई थी, फ़ोटो के साथ हमारा इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में, और उसके अलावा कई सारे मैगज़ीन्स में इंटरव्यू हुए, कुछ रेडियो चैनल्स ने इंटरव्यूज़ किए। तो ये एक जो सिलसिला हैरी पॉटर की वजह से शुरू हुआ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आया मेरी ज़िंदगी में, और बहुत एक्सपोजर मिला मीडिया के थ्रू, बहुत सारे फैंस से कनेक्ट करने का मौका मिला, लोगों को पता चला कि ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे किसकी आवाज़ है, और हमारे काम को लोगों ने सराहा। और अभी भी कई बार मुझे फेसबुक और ट्विटर पे मैसेजेस आते हैं कि हैरी पॉटर में आपने जो काम किया था वो हम अभी भी याद करते हैं, या अब भी जब चलती है वो मूवी टीवी पर तो हम अभी भी देखते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। इनफैक्ट हैरी पॉटर की वजह से मैंने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए हैं, कुछ फैंस जो अब फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो ऐसा भी हुआ है। तो आई थिंक आई एम फॉर एवर इंडेटेड टू हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के बाद हाई स्कूल म्यूजिकल, ये भी बहुत टीनेज क्राउड के लिए बहुत फेमस हुई थी ये मूवी, उसके अंदर भी मैंने डबिंग की थी। और फिर साउंड एंड विजन इंडिया, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेज हैं डबिंग इंडस्ट्री के, वॉइसिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, तो उसके लिए मैंने इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस, जो कि इंडिपेंडेंस डे पुरानी मूवी थी उसकी जो सीक्वल आई थी 2 साल पहले, उसके अंदर मैंने माइका मनरो यानी कि जो हीरोइन थी उनके लिए डबिंग की थी। और उसके बाद एक्समैन अपोकलिप्स जो मूवी आई थी पिछले साल, उसके अंदर भी मैंने डबिंग की थी। मेरी डबिंग करियर की शुरुआत ही एनिमेशन डबिंग के साथ शुरू हुई थी। तो एनिमेशन तो मैंने बहुत सारे किए हैं, जिमी न्यूट्रॉन जैसे मैंने कहा वहाँ से शुरुआत की थी, उसके बाद प्राउड फैमिली करके एक एनिमेशन सीरीज़ थी जिसके अंदर मैंने पहली बार लीड कैरेक्टर किया था, और मैं 2 कैरेक्टर करती थी, एक जो लीड जो थी पेनी उसके लिए, और उसकी एक फ्रेंड थी जोई, तो उन दोनों के लिए मैं वॉइस को मॉड्यूलेट करके दोनों कैरेक्टर्स का डबिंग करती थी। इसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, और बेन 10 जो कि आजकल बच्चों में बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर कार्टून है, बेन 10 में जो बेन की कज़न है ग्वेन, जो कि हमेशा उसके साथ रहती है, वो दोनों साथ में मिलकर मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, और हमेशा उनकी जो भी मतलब लड़ाई होती है ईविल के खिलाफ, वो हमेशा वो दोनों मिलकर लड़ते हैं। तो ये जो ग्वेन का कैरेक्टर है वो मैंने बेन 10 में हिंदी डबिंग किया है। इसके अलावा छोटा भीम, इंडियन ओरिजिनल एनिमेशन, जो कि आजकल शायद हर बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, बहुत सालों से है, बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है। तो 2012 से 2014 ये 2 साल के दौरान मैंने छोटा भीम में छोटा भीम के लिए वॉइस दी है, और बहुत सारी उसकी मूवीज़ जो टीवी पर आई वो तो मैंने की हैं, लेकिन उस वक्त एक मूवी थी जो थिएटर रिलीज हुई थी, छोटा भीम एंड द थ्रोन ऑफ बाली, तो उसके अंदर भी मैंने छोटा भीम का कैरेक्टर की जो वॉइस है हिंदी में वो मेरी है। और एक्चुअली वो इट वाज़ अ यशराज रिलीज़, तो हम लोग घर में बहुत ही मजाक करते थे कि चलो यशराज की हीरोइन ना सही, यशराज का हीरो तो बन गई मैं। तो छोटा भीम मैंने कंटिन्यू किया 2014 तक, इनफैक्ट जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी मैं छोटा भीम का डबिंग करती थी। और अब भीम कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो हमेशा लोगों के साथ फाइटिंग करता है, तो जब डबिंग करते हैं तो बहुत सारे ये सारे रिएक्शंस देने पड़ते हैं, और समर सॉल्ट किया, किसी को किक मारा, कहीं से जंप करके कहीं और छलांग लगा दी, तो ये सब जो रिएक्शंस हम करते थे, तो मुझे अभी भी याद है कि स्पेशली हम लोग कैसे करते थे कि पहले सारे लाइंस ले लेते थे, बीच बीच में रिएक्शंस हो तो ठीक है, पर बाद में एक पूरा रिएक्शन का एक बैंक बनता था, तो हम एक साथ बहुत सारे रिएक्शंस देने पड़ते थे उस वक्त। तो जब भी मैं इस तरह के बहुत ही एनर्जेटिक रिएक्शंस में देती थी तो मेरी बेटी की मूवमेंट मुझे तुरंत फील होने लगती थी मेरे पेट में, कि वो भी एकदम मस्ती में आ जाती थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी अगर बेटा हुआ तो उसका नाम भीम रखेंगे। तो आई थिंक मेरी बेटी बच गई कि वो बेटी है तो भीम नाम नहीं है उसका। जिमी न्यूट्रॉन से शुरुआत की, प्राउड फैमिली किया, उसके बाद मैंने क्लिफर्ड द बिग रेड डॉग उसके लिए डबिंग की, डोरा द एक्सप्लोरर जो बच्चों में बहुत ही पॉपुलर कार्टून है उसके अंदर मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, उसके अलावा ड्रैगन बॉल जी जो कि अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर सीरीज़, तो उसमें मैंने विडल का कैरेक्टर जो है उसके लिए मैंने हिंदी डबिंग की है। उसके अलावा बहुत सारी चैनल्स जैसे कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन, पोगो, डिज्नी, फिर XD, ये सारी जो बच्चों की एनिमेशन चैनल्स जो होती हैं उन ऑलमोस्ट सभी चैनल्स में मैंने कोई ना कोई सीरीज़ की है। डिस्कवरी किड्स की 2 सीरीज़ थी, एक थी सैली बॉलीवुड जिसमें मैंने सैली के लिए वॉइस की थी, उसके अलावा पपायरस जिसमें जो प्रिंसेस है थेटी उसके लिए मैंने डबिंग की थी। तो एनिमेशन बहुत सारे मैंने किए हैं। फीनियस एंड फर्ब जैसे मैंने कहा, इजबेला के लिए मैं गाती भी थी और डबिंग भी करती थी।
तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने एनिमेशन के लिए डबिंग की है। एनिमेशन की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी मूवी है आइस एज, जिसके भी बहुत सारे पार्ट्स आए हैं। तो आइस एज में जो बैनी, जो कि एक एलिफेंट है, उसकी जो बेटी है पीचेस, जिसका थर्ड या फोर्थ मूवी में इंट्रोडक्शन हुआ और अभी चल रही है, तो पीचेस का जो कैरेक्टर है उसके लिए मैंने हिंदी में डबिंग की है। इसके अलावा दूसरी एक बहुत ही बड़ी मूवी है डेस्पिकेबल मी, तो डेस्पिकेबल मी का जो थर्ड पार्ट आया था उसके अंदर मैंने मार्गो का कैरेक्टर जो है उसके लिए मैंने हिंदी में डबिंग की थी। मैंने एंग्री बर्ड्स की मूवी की है, मैंने टिंकर बेल की मूवी की है। तो ये सारे एनिमेशन मूवीज़ हैं जिसके लिए मैंने हिंदी में डबिंग की है। एनिमेशन के साथ साथ लाइव एक्शन बहुत सारी मूवीज़ भी मैंने की हैं। सबसे पहले अगर मुझे अगर नाम देना हो तो जो मैंने सबसे रिसेंटली किया है वो है बैटल ऑफ द सेक्सेस। इसमें जो हीरोइन है वो है एमा स्टोन, अकेडमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस है, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उन्होंने इतना क्रिटिकली अक्लेम्ड इसमें काम किया, ये मूवी को बहुत बहुत सराहा गया है, तो इस मूवी में उनके लिए मैंने डबिंग की है। इसके अलावा मैंने मॉर्गन मूवी में डबिंग की है, मैंने अमेंडा बाइंस जो कि बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हैं US की, उनके लिए मैंने TV में वॉइस दी है। मैंने TV की काफ़ी सारी मूवीज़ जैसे हैं, अगर मैंने कहा जाए तो जेनिफर लॉरेंस के लिए मैंने TV के लिए वॉइस दी है, मैंने इवन माइली साइरस के लिए मैंने TV के लिए एक मूवी की थी LOL करके, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। TV पर ट्वाइलाइट जो एक पूरी सीरीज़ है, ट्वाइलाइट के भी चार सेगमेंट्स थे, चार मूवीज़ में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, चार बुक्स हैं, चार मूवीज़ हैं। तो ट्वाइलाइट जो ये सीरीज़ है उसके लिए, उसके अंदर मैंने जो लीड कैरेक्टर है बेला का, उसके लिए मैंने डबिंग की थी। तो ये भी एक ऐसा किरदार है कि जो यूथ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है, क्योंकि उस वक्त ये जो बुक्स थी वो भी बहुत ही पॉपुलर हुई थी और जो उसकी मूवीज़ बनी थी वो भी बहुत पॉपुलर थी। तो क्रिस्टन स्टूअर्ट के लिए बेला का जो कैरेक्टर था उसके लिए मैंने टीवी में ट्वाइलाइट की पूरी सीरीज़ मैंने डब की है। इसके अलावा मैंने स्कैरी मूवीज़ एक सीरीज़ थी जिसमें बहुत सारी जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो भी हॉरर मूवीज़ हैं उनको एक हिलेरियस तरीके से पूरा स्पूफ बना के प्रेजेंट किया गया है। तो ऐसी स्कैरी मूवीज़ की जो पूरी सीरीज़ है उसमें मैंने लीड कैरेक्टर के लिए टीवी के लिए डबिंग की है। मैंने डिज्नी के लिए चीता गर्ल्स में डबिंग किया है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं लाइव एक्शन जिसके लिए मैंने डबिंग की है। जब मैंने डबिंग की शुरुआत की तो मैं डबिंग में जो जो कैरेक्टर्स करती थी, अगर कभी कभी वो गाते भी थे तो मैं उनके लिए गाना भी गाती थी। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, अभी अगर कहूँ तो डिज्नी की एक सीरीज़ आती थी PBJ एंड ऑटर, तो वो शायद मेरी सबसे पहली सीरीज़ थी जिसमें मैंने गाना शुरुआत किया। हमारे बॉलीवुड के एक बहुत जाने माने और बहुत सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके हैं सलील चौधरी जी, तो उनकी बेटी हैं अंतरा चौधरी और वो मुझे डायरेक्ट करती थी जब मैंने PBJ ऑटर इस सीरीज़ के लिए गाने गाए। उसके बहुत सारे एपिसोड्स थे और हर एपिसोड में ऑलमोस्ट 2-3-4 गाने होते थे, कभी कभी सोलो होते थे, कभी कभी कोरस होते थे। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो मैंने UTV में अंतरा चौधरी जी के साथ किया। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला क्योंकि मैं हमेशा से क्लासिकल सीखती थी और गुजराती और हिंदी सॉन्ग्स गाती थी, तो ये मेलोडी जो होती है वो एक सिंगल मेलोडी वाली चीज़ है, लेकिन जब हम इंग्लिश गानों को डब करते हैं हिंदी में तो उसमें एक अलग एलिमेंट आ जाता है हारमोनीज़ का। ये हारमोनीज़ की जो बात है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी इंट्रिकेट थिंग, मतलब हर किसी के बस की एक्चुअली ये बात ही नहीं है। और जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन अंतरा चौधरी जी ने मुझे इतना अच्छी तरह से उसको सिंप्लीफाई करके सिखाया और इतना सपोर्टिव थी वो, क्योंकि जब मैं शुरू में नया मैंने ये सब गाना शुरू किया था तो इट वाज डिफ़िकल्ट एंड आई वाज हैविंग प्रॉब्लम्स, तो रीटेक्स वगैरह होते थे, पर उन्होंने बहुत ही पेशेंटली मुझे सपोर्ट करके मुझे सिखाया और ये काम मुझसे करवाया। फिर एक प्राउड फैमिली करके एनिमेशन सीरीज़ थी, तो उसमें मैं लीड कैरेक्टर करती थी डब, और उसके कभी कभी गाने होते थे तो वो भी मैं गाती थी। तो ये सारी मेरी इस तरह शुरुआत हुई और आज मैं मिनी माउस के लिए डिज्नी अप्रूव्ड सिंगिंग वॉइस हूँ। तो हालांकि डबिंग नहीं करती मैं मिनी माउस का, लेकिन मिनी माउस के जितने गाने हैं वो मैं गाती हूँ। इसके अलावा फीनियस एंड फर्ब करके एक एनिमेशन सीरीज़ है, बहुत ही पॉपुलर है, उसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो कैंडिस है जो कि फीनियस एंड फर्ब की बहन है, तो उसकी मैं सिंगिंग वॉइस हूँ, और इजाबेला का कैरेक्टर मैंने डब भी किया है और उसके लिए मैंने गाया भी है।
तो ये ऐसे बहुत सारे एनिमेशन सीरीज़ हैं जिसके लिए मैंने गाया है। इसके अलावा मैंने एक सीरियल आती थी ज़मीं से आसमान तक, सहारा टीवी पर आती थी, जिसके अंदर मैंने मुझे अलका याग्निक जी के साथ एक गाना गाने का मौका मिला था। रूप कुमार राठौड़ जी का म्यूज़िक डायरेक्शन था और मैंने उसमें एक बच्ची का छोटा सा पार्ट था, वो मैंने गाया था। और सिंगिंग में एक इंसिडेंट है, एक्चुअली वो मुझे पता नहीं था कि वो कैसे इतनी बड़ी चीज़ हो गई। मेरी एक फ्रेंड का एक दिन मुझे अचानक फ़ोन आया और कहा कि कुछ तो कोरस का काम है और पूरे दिन का काम है, हमें जाके गाना है, तो तुम चलोगी? मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री हूँ तो हम जाएंगे साथ में। तो हम लोग गए, जिस स्टूडियो में गए, बड़ा स्टूडियो, सब कुछ एकदम हाईफाई चल रहा था। फिर बहुत सारे कोरस के लिए सिंगर्स भी बहुत सारे थे, मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे। और फिर हम लोगों ने गाना शुरू किया, जैसे कहा था वैसे पूरा दिन ऑलमोस्ट काम चला। और हिंदी में था गाना, जिसे कीर्ति सागठिया ने गाया था, और इट वॉज़ एक्चुअली सपोज टू बी ए गुजराती सॉन्ग, जिसको वापस हिंदी में भी उसे बनाया गया था, उसी गाने को। तो हमने जो हिंदी जो वर्जन था उसके लिए कोरस का पार्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। अब जब कर रहे थे तभी भी लग रहा था कि ये कुछ तो कमाल की चीज़ है, क्योंकि इतने परफेक्शन के साथ हर चीज़ हमसे एक्सपेक्ट की जा रही थी और इतना भी कुछ भी इधर उधर हो तो टेक को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो हमें लगा कि ये कुछ तो बड़ी चीज़ है, पर पता नहीं था। उसके बाद हम लोग तो गा के चले गए, फिर एक हफ्ते बाद चेक मिलने वाला था, तो हम लोग चेक लेने के लिए गए। तो चेक लिया हाथ में, सबसे पहले तो नाम का स्पेलिंग चेक किया, हाँ सब ठीक है, अमाउंट चेक कर लिया, और फिर जब नज़र पड़ी कि सिग्नेचर किसकी थी, तो हमें पता चला कि वी हैड संग फॉर AR रहमान। और हम दोनों इतने खुशी के मारे उछल पड़े, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ थी नहीं, मतलब ये शायद एज अ सिंगर सबसे बड़ी चीज़ हुई है मेरे साथ ज़िंदगी में। और ऑल दो इट वॉज़ फॉर कोरस, हु केयर्स, मतलब AR रहमान के लिए गाया, तो हम दोनों इतने खुश थे। और फिर तो मैंने घर पे जाके मैंने उसकी कलर जेरोक्स करवाई और उसको लैमिनेट करके रखा है, तो देट वॉज समथिंग अमेजिंग दैट हैपन टू मी। मैंने कैडबरी डेरी मिल्क की जिंगल एड उसके लिए गाया है, टाटा नैनो की एड के लिए गाया है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एड के लिए भी गाया है। इसके अलावा मैंने एक हेडा होडा करके एक मूवी थी जो क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड हुई थी, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाकर उसे काफ़ी सराहा गया था, वनराज भाटिया जी का म्यूज़िक था उसमें, उसके अंदर भी मैंने दो गानों में मैंने गाया है, गुजराती मूवीज़ में मैंने गाया है, कुछ कुछ गुजराती एल्बम्स हुए हैं उसके अंदर मैंने गाया है। तो मेरा सिंगिंग का ये पूरा सिलसिला जो बचपन से शुरू हुआ था वो आज तक चलते जा रहा है। मैंने एड्स में जिंगल्स के लिए भी गाया है, एक मुझे याद है कैडबरी डेरी मिल्क 2-in-1 इसकी एक ऐड हुई थी, उसका जिंगल मैंने और मेरी बहन उपगना पंड्या, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, हम दोनों ने मिलकर गाया था। मुझे थोड़ा सा याद है तो मैं सुनाती हूँ। कितना मजा आए रे ओ पापे, कितना मजा आए रे, दुनिया डेरी मिल्क की बन जाए, डेरी मिल्क का हो समंदर और मैं कूदूं उसके अंदर, डेरी मिल्क के हो सारे दोस्त, डेरी मिल्क के हो मेरी बोट, शार्क हमको खाने आए, देख डेरी मिल्क वो ललचाए, कितना मजा आए रे। सिंगिंग और डबिंग के अलावा एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें भी मैंने अपना हाथ आजमाया है। मुझे एक्टिंग का पहले से ही बहुत शौक़ था, मुझे मन था कि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले। मैं स्कूल में प्लेज़ लिखती थी और बाकी मेरे फ्रेंड्स को तैयार करवाती थी, और मैंने मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में स्टेट लेवल तक प्राइजेस जीते हैं स्कूल के दौरान। तो एक्टिंग का एक शौक़ तो था ही, टैलेंट भी थी। कॉलेज में ऑल दो एक्टिंग में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन एक बहुत कमाल की बात मेरे साथ ये हुई कि क्योंकि मैं सिंगिंग भी करती हूँ अगेन, तो वो मुझे हमेशा से कहीं ना कहीं बेनिफिट उस चीज़ का हमेशा रहा है कि मैं गा भी सकती हूँ। तो एक गुजराती प्ले था, हमारे जो आदि कवि हम जिसे कहते हैं गुजराती में, संत श्री नरसिंह मेहता, तो जिन्होंने वैष्णव जन लिखा है, तो नरसिंह मेहता जी के पूरे जीवन पर आधारित एक पूरा नाटक था, जो पूरा का पूरा नाटक पद्य में था, यानी कि कविता के फॉर्म में पूरा नाटक था। उसमें तकरीबन 24 या 25 उनके लिखे हुए भजन गाने थे जो कि लाइव स्टेज पर परफॉर्म करने थे। तो उत्कर्ष मजूमदार बहुत ही रिनाउंड कलाकार हैं, बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट है, ना सिर्फ गुजराती थिएटर में या गुजराती मूवीज़ में, बट ऑल्दो इन हिंदी मूवीज़। तो
वो डायरेक्ट करने वाले थे और वो खुद उसमें एक्टिंग भी करने वाले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस नाटक में हमें ज्वाइन करना चाहोगी। तो इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर मी, क्योंकि मुझे एक्टिंग हमेशा से मैं चाहती थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का मौका मिले। तो जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मैंने तुरंत उसे ग्रैब कर ली। तो उस नाटक में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो नरसिंह मेहता की वाइफ हो या उनकी भाभी हो या उनकी बेटी हो या राधा जी हो, तो वो सारे फीमेल कैरेक्टर्स मैंने निभाए हैं। और उसके अलावा बहुत कुछ गाया भी है उसके अंदर, तो गाना और एक्टिंग दोनों चीज़ें मुझे उसमें करने मिली। हमारा और एक नाटक अभी चल रहा है, मारीवाणी मेघाणी सर्वाणी, ये भी एक गुजराती नाटक है जो कि हमारे बहुत बड़े दूसरे कवि लेखक और फ्रीडम फाइटर, एक ऑल इन वन बहुत ही महान हस्ती गुजराती की, झवेरचंद मेघाणी जी, उनके जीवनी पर ये पूरा नाटक आधारित है। उसमें बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं, क्योंकि वो ही वॉज़ अ रिसर्चर, बहुत सारा गुजराती लिटरेचर उन्होंने रिसर्च कर करके अलग अलग गाँव में जाकर वहाँ से लोगों के पास से ले लेकर उन्होंने पूरा उसको कंपाइल करके उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पब्लिश किए हैं। तो उनकी जीवन पर ये जो एक पूरी पूरा जो नाटक है मेघाणी सर्वाणी, वो अभी चल रहा है, जिसमें अगेन उत्कर्ष मजूमदार जी के साथ मैं कर रही हूँ। उसमें भी मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रही हूँ, फीमेल कैरेक्टर्स जो भी हैं, और उसके अलावा गाने भी गा रही हूँ। तो ये मेरा थिएटर के साथ एक रिश्ता जुड़ा, जिसमें से मुझे एक्टिंग भी सीखने मिली और एक्टिंग करने का मौका भी मिला। हमने ज़्यादातर जो हमारे शोज़ हुए हैं वो पृथ्वी थिएटर में या NCPA में ऐसे हुए हैं, तो ऑडियंस भी आपके इतने करीब होती है, वो जो एक रिलेशन जो बनता है आपका एज एन एक्टर विथ योर ऑडियंस, वो एक अलग ही फीलिंग है जो मुझे एक्सपीरियंस करने मिली, क्योंकि मुझे थिएटर करने का मौका मिला। इसके अलावा मैंने एक हिंदी सीरियल कलर्स पर आती थी 2011 में, मुक्ति बंधन। तो मुक्ति बंधन में मैंने सोनल वीरानी करके एक कैरेक्टर था, उसको मैंने निभाया था। तो ये मेरा टेलीविज़न पर या कैमरा के सामने कहा जाए तो पहला एनकाउंटर था एज एन एक्टर, कैमरा के सामने मैंने पहली बार एक्टिंग की इस मुक्ति बंधन सीरियल के लिए। उसमें भी बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, शिव सुब्रमण्यम जी थे, मीनल पटेल, उत्कर्ष मजूमदार जी, सुरभी झवेरी व्यास, ये सारे बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने मिला। थिएटर में करती थी, पर जब आप कैमरा के सामने करते हैं एक्टिंग तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें उसमें आ जाती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, और वो एक अलग ही चीज़ है। तो वो मुझे सीखने मिला उस दौरान, उस सीरियल को करते वक्त। उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है कबीरा कॉलिंग, उसके अंदर भी मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो गाता भी है, तो मुझे वो भी गाना और एक्टिंग वो सब मेरा साथ में हो गया। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं गाने की जो एक मेरी जो एक जिसे कहा जा सकता है कि टैलेंट जो है, और जिसको मैंने हमेशा एक्सप्लोर किया अपनी पूरी ज़िंदगी, तो वो मुझे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसने मेरे लिए और कई सारे दरवाजे खोल दिए। डबिंग भी मुझे गाने के थ्रू मिला, मुझे एक्टिंग भी गाने के थ्रू मिली। तो गाना जो है, म्यूज़िक, इसने बहुत एक अलग ही परिभाषा दे दी मेरी ज़िंदगी को। सिंगिंग और डबिंग में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी अचीवमेंट्स हैं जो जिनके लिए मैं खुद को बहुत ही मुझे अच्छा लगता है खुद के बारे में जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ। जैसे कि जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे जब मैं SY में थी, SYBA, तब मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर रही थी कॉलेज में, और एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं यूथ फेस्टिवल में जाके मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पर प्राइजेस जीते थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, तो तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने आगे चलकर काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, और उसके बाद मुझे लगा कि ये तो चलो मैंने कर दिया है प्रोफेशनली, तो मैं कुछ और कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी भाषा है, मातृभाषा गुजराती, उसके प्रति मुझे बहुत प्यार है। मेरे घर में हमेशा से एक झुकाव था भाषा की तरफ, तो मुझे था कि मुझे वो भी सीखना चाहिए। तो मैंने गुजराती लिटरेचर में फिर से मास्टर्स की डिग्री के लिए कोर्स किया, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ये डिस्टेंट एजुकेशन में ये कोर्स किया, और मैं उसमें मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी को, और मुझे गोल्ड मेडल मिला था।
और महाराष्ट्र के जो उस वक्त सीएम थे पृथ्वीराज चव्हाण जी, उनके हाथों से मुझे मिला। और जब ही जो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे प्रणब मुखर्जी, वो भी स्टेज पर हाजिर थे। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से मुझे अकेडमिक्स में भी कुछ पाने मैं पाऊँ वैसी हमेशा कामना की थी। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुई हूँ। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने जो किया है मेरे और मेरी बहन के लिए वो सचमुच काबिले तारीफ़ है। तो उनके उनके उस अप्रोच से कि अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किस हद तक उन्हें बैकिंग या सपोर्ट दिया जा सकता है, वो मैंने बहुत सीखा है उनसे। उसकी वजह से मैंने बहुत सारे फ़ायदे मुझे ज़िंदगी में हुए हैं। तो उनसे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिली है। मेरे जो म्यूज़िक में जो मेरे गुरुजी रहे हैं, कौमुदी मुंशी जी या गौरी पाठारे जी, मेरी सबसे पहली सिंगिंग की टीचर थी मिसेस सुनंदा भावे, तो इन सबको मैं हमेशा याद करती हूँ और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि मैंने इतना कुछ सीखा है उनसे। डबिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतने कमाल के हैं, और उनके सिर्फ काम को सुन के, कई बार तो ऐसे था कि मैंने डबिंग की शुरुआत की उससे पहले से मैं कुछ आर्टिस्ट को उनकी आवाज़ के थ्रू जानती थी। तो जब मैं ऐसे पहली बार मिलती थी तो मुझे इतना ऐसे ऑलमोस्ट स्टारस्ट्रक लगता था कि अरे वाह, इनको आज मुझे मिलने मिला। जैसे मैं कहूँ तो मीना नाहटा जी, अब अगर कोई माँ का कैरेक्टर, अगर कोई मुझे कहे कि माँ का कैरेक्टर है, तो मैं किसी और की आवाज़ इमेजिन ही नहीं कर सकती उनके अलावा, क्योंकि आई थिंक द राइट वर्ड वुड बी वात्सल्य। जो वात्सल्य उनकी आवाज़ में आता है वो इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं आज खुद एक माँ हूँ, पर शायद फिर भी मैं वो नहीं ला पाती अपनी आवाज़ में, तो वैसा उनका आवाज़ है। तो जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि मुझे मीना नाहटा जी से मिलने मिला, क्योंकि उनको मैं जानती थी उनकी वॉइस से। इसके अलावा बहुत सारी और सीनियर फीमेल आर्टिस्ट हैं, जैसे नमिता गुप्ता जी हैं, दिशी जी हैं, जिनके काम को मैंने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत सीखने भी मिला है। मोना घोष जी हैं, उनकी आवाज़ ही ऐसी है कि आप मतलब बस सुनते रहो और आपको ऐसे लगेगा कि बस ये बंद ना हो कभी आवाज़। तो और उन्होंने जो जो काम किया है उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो हम उम्र हम कह सकते हैं मेरे से कुछ दो चार साल इधर उधर, जैसे तोशी है, इतनी वर्सेटाइल है और जो एनर्जी है उसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता तोशी की एनर्जी का। मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और उर्वी, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड, और उसने भी जो काम किया है, और हम दोनों का हमेशा ऐसे रिलेशन था कि उसके काम को हमेशा मैं अप्रिशिएट करती थी, मेरे काम को वो भी करती थी। तो वो एक जो सपोर्ट, जैसे जनरली हर फील्ड में ऐसे होता है कि आर्टिस्ट के बीच में राइवलरी होती है, ऐसा मुझे पर्सनली कभी भी डबिंग इंडस्ट्री में कभी फील नहीं हुआ है, ना मैंने कभी उसको विटनेस किया है। सभी जो मेरे भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, सबने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी काम अच्छा लगा तो सबको सराहा है, अगर नहीं अच्छा लगा तो प्राइवेटली कहा भी है कि ये तुम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती हो इस चीज़ में। तो ये एक बहुत कमाल की बात है जो मुझे डबिंग में विटनेस करने को मिली है। मेल आर्टिस्ट अगर कहूँ तो किशोर भट्ट जी, जो इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने हमेशा एक जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ उस तरह से उन्होंने मुझे बचपन से ही, मतलब जब से मैंने डबिंग की शुरुआत की, मेरे बचपन के दिन जो डबिंग में हुआ करते थे, तब से उन्होंने एक उनका आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, क्योंकि उनको हमेशा बहुत अच्छा लगता था जब भी वो मुझे स्टूडियो में मिल जाते थे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी एडवाइस देते थे और वो मुझे बहुत काम आती थी। अनिल दत्त जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, विराज जी हैं, दमन हैं, इन सब के काम को मैं बहुत एडमायर करती हूँ। शानूर मिर्ज़ा ही समवन की अगर एक लाइन आपको दे दी जाए इंग्लिश में, उन्हें आप कहें कि ये इसको आप हिंदी में बोलकर दिखाइए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये और ये लाइन जो है दोनों इंग्लिश और हिंदी, उसमें लैंग्वेज छोड़ के और कोई डिफरेंस आप कुछ भी कर लें आप बता नहीं पाएंगे। मतलब सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस, बाकी एवरीथिंग एज इट इज़ वो रिप्रोड्यूस रिक्रिएट करके बता सकते हैं। तो इतने वर्सेटाइल और इतने टैलेंटेड हैं कि मैं उनका काम बहुत ही पसंद करती हूँ। फिर करण त्रिवेदी है, हु इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, उसकी स्पीड का मैं क्या कहूँ। मतलब जब मेरे शुरुआती दिन थे तो मैं ऐसे अचंभित हो जाती थी कि कोई इतना फास्ट डबिंग कैसे कर सकता है, पर ही इज़ समवन हु इज़ अमेजिंग, ही इज़ वेरी फास्ट एंड ही डज़ इट वंडरफुली। और नचिकेत है, वो भी मेरा दोस्त है। राजू कावा, अगेन वेरी वर्सेटाइल, इतनी अलग अलग आवाज़ें वो निकालते हैं और इतने परफेक्शन के साथ करते हैं। तो इन सभी का कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिला है। अब ये तो चलो इनडायरेक्टली हो गया,
कई बार ऐसे भी मौके मिले हैं कि डायरेक्टली सीखने को मिला है। जैसे एक फ़नी इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं साउंड एंड विजन में एक साउथ इंडियन मूवी के लिए डबिंग करने के लिए गई थी और मेरा जो कैरेक्टर था उसको गुजराती एक्सेंट में डब करना था, ऐसा मुझे कहा गया। अब शायद उन्होंने मुझे बुलाया था इसलिए क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो उन्होंने उनको लगा होगा कि मैं गुजराती कर लूँगी आसानी से। अब मेरा ऐसे हुआ कि बचपन से ही भाषा जो है उस पर बहुत फोकस था, क्योंकि मैं गाती भी थी तो बिल्कुल हिंदी गाते वक्त गुजराती एक्सेंट नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखा था मैंने। और इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने हमेशा, मतलब एक कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ तो बस वही लैंग्वेज, उसमें किसी और लैंग्वेज की कोई छवि या असर नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमेशा मेरा एम था। तो मुझे कभी किसी अलग लैंग्वेज की एक्सेंट के साथ कोई और लैंग्वेज बोलना ये मैंने कभी किया नहीं था और मुझे वो जम ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ इमेजिन कर लो, कोई कैरेक्टर किसी ने ऐसे किया होगा वैसे आप ट्राई करके देखो, कुछ ये ट्राई करो वो ट्राई करो। हमने सब कुछ ट्राई करके देखा पर इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तभी समय जी वहाँ पर थे स्टूडियो में, उनका मेरे पहले आई थिंक हो चुका था और वो कुछ काम से ऐसे ही वहाँ पर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत स्ट्रगल कर रही है इस चीज़ में। तो समय जी ने सामने से खुद उठकर मुझे कहा कि तुम एक काम करो, जो तुम्हारी लाइन है वो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें गुजराती एक्सेंट में उसे बोलकर सुनाऊंगा और फिर तुम उसे टेक करो। तो मैंने कहा ठीक है, और एक्चुअली मतलब लिटरली एक एक लाइन उन्होंने मुझे बोलकर सुनाई और फिर मैंने तुरंत उसको टेक की। फिर एक बार वो थोड़ा सा एक आदत और एक वो टच मिल गया, उसके बाद फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। पर ये जैसे मैंने कहा कि एवरीबडी इज़ सो हेल्पफुल इन दिस इंडस्ट्री, अब उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप हेल्प कीजिए या ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उन्होंने खुद सामने से कहा। तो ये इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है और उनसे इतना कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है और इतनी मदद भी मिलती रही है, तो ये एक इस इंडस्ट्री की बहुत एक ख़ास बात है। डबिंग का, सिंगिंग का काम जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ आपकी हॉबी होती है। हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी हॉबी होती है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को और आपकी हॉबीज़ को, मतलब जो आप ऑल दो प्रोफेशनल लाइफ भी आप एंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन एक अलग थोड़ा सा उसमें अंतर होता है हॉबी में। तो मेरी आई थिंक सबसे बड़ी हॉबी है रीडिंग, बचपन से ही बहुत कल्टिवेट हो चुकी थी। मेरे पापा बचपन में लाइब्रेरी में हमने मेंबरशिप ले ली थी और हर हफ्ते हम लोग जाके बुक्स लेकर आते थे। कई बार तो ऐसे होता था कि मैं एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ लेती थी और फिर उसमें ऐसे था कि आप एक हफ्ते में एक ही बार चेंज कर सकते हैं बुक, तो मैं पूरा हफ्ता रोज़ एक ही बुक दोबारा पढ़ती रहती थी। तो रीडिंग का ये जो शौक़ था वो बचपन से ही शुरू हो गया था और अब तक जारी है। मैं अभी भी डबिंग करने भी मैं जाती हूँ तो मोस्टली मेरे साथ कोई ना कोई बुक होती है। तो मुझे याद है कि ललित कोरडे यूटीवी में वो डायरेक्टर थे, तो मैं जब भी वहाँ पर जाती थी उनके स्टूडियो में तो हमेशा मुझे बोलते थे अरे बुक कहाँ है तुम्हारी मतलब अगर बुक ना हो, अगर मैंने या तो मैंने अगर पर्स से बाहर ना निकाली हो, तो वो हमेशा मुझे पूछते थे कि तुम्हारी बुक कहाँ चली गई। तो बुक के बिना ही जस्ट कुडंट इमेजिन मी। तो एक ऐसी आइडेंटिटी हो गई थी कि परिग्ना है तो हमेशा कुछ ना कुछ बुक पढ़ती रहेगी। इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। बचपन से ही हम लोग हर साल वेकेशन में घूमने जाया करते थे, साउथ इंडिया में गए हैं, नॉर्थ इंडिया में गए हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने हम पूरी फैमिली सारे कज़न सब मिलकर जाते थे, बहुत घूमते थे। और अब शादी के बाद भी मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों को ही बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, तो हम हमेशा कहीं मौका मिलता है तो हम लोग चले जाते हैं साथ में घूमने के लिए। और एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि ट्रैवलिंग ऐसा नहीं है कि आपने ये पॉइंट देख लिया, ये जगह आपने देख ली तो बस हो गया, पर वहाँ जाकर उस जगह का एहसास अपने मन में करना या वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, वहाँ का खाना खाना, और मतलब आप अगर एक अलग ही जगह पर चले जाते हैं तो आप वहाँ के होकर रह सकते हैं, एंड दैट मेक्स यू अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मतलब आपके अंदर एक बहुत सारी नई नई चीज़ें ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब हो जाती हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। तो ट्रैवलिंग आपको एक बहुत ही ओपन माइंडेड और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि एक ग्लोबल सिटीजन, मतलब एक बहुत ओपन माइंडेड इंसान बनाता है। आप एज अ पर्सन आप आगे बढ़ते हैं, आप कुछ अलग नए लेवल पर जा सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में प्रोफेशनली एक छोटा सा सेटबैक आया था इन 2012, जब ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ वॉइस मुझे वोकल कॉर्ड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्वेलिंग हो गया था,
और उसकी वजह से बहुत सारा काम मुझे उस वक्त छोड़ना पड़ा, बहुत सारा मुझे पोस्टपोन करना पड़ा और मुझे बहुत सारे लोगों का उस वक्त भी प्रोफेशनली भी सपोर्ट मिला कि उन्होंने मेरे लिए, वो लोग मेरे लिए रुके, मेरी राह देखी कि जब मैं ठीक हो जाऊँ परफेक्टली उसके बाद मैं वो काम करूँ, तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। पर ये एक चीज़ थी कि जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए, अब चाहे वॉइस आर्टिस्ट हो या अब जैसे मैं सिंगर हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, तो मैं जो कुछ भी करना चाहूँगी मुझे अपने आवाज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उस वक्त इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी वो एक्सेप्ट कर पाना कि अरे नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ऑलमोस्ट 2 महीने तो ऐसे गए कि जब मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रही थी, अलग अलग स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रही थी, ट्रीटमेंट करवा रही थी, और ऑलमोस्ट आई वॉज ऑन म्यूट, मतलब मैं किसी के साथ ना घर में ना कहीं बात ही नहीं कर रही थी। पर वो फेज़ भी चला गया। मैं हमेशा सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ध्यान में रखती थी कि उनको भी जब कुछ इंजरी हो जाती है, टेनिस एल्बो का उनको प्रॉब्लम था, तो इतने बड़े, इतने महान नंबर वन खिलाड़ी हैं वो, और उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मतलब इट्स ओके, आपके साथ भी हो सकता है और आपको उसमें से बाहर निकल कर आना है। तो तभी बहुत डिफ़िकल्ट था, पर अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। कहीं कहीं सेटबैक्स आते ही हैं, कहीं कहीं आपको सक्सेस भी मिलती है, तो वो चलते रहता है। डबिंग करते वक्त, सिंगिंग करते वक्त, एक्टिंग करते वक्त अलग अलग किरदार निभाए हैं, पर शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार जो मैंने निभाया है वो है एज अ मॉम। मतलब जब मेरी बेटी बॉर्न हुई तो एक टोटल ट्रांजिशन हुआ, और उस चीज़ ने मुझे बहुत सारी अलग अलग पहलुओं से मुझे मुखातिब किया। मुझे पता चला कि क्या कुछ होता है ज़िंदगी में, एक जस्ट एज एन इंडिविजुअल आप एक अलग ज़िंदगी जीते हैं, पर जब एक अलग इंसान आपसे जुड़ जाता है हमेशा के लिए, तो वो एक आपका पूरा अलग ट्रांजिशन हो जाता है। उस वक्त मैं एक फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर इंडियन मदर्स, BSIM, उसके कॉन्टैक्ट में आई और मैं एज अ मेम्बर मैंने ज्वाइन किया। फिर मैं वहाँ पर पीयर काउंसलर बनी, फिर एक मॉडरेटर बनी, और अब मैं एज एन एडमिन काम कर रही हूँ। तो ये जो ग्रुप है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनको एनकरेज करने का, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का 24/7 रिलेंटलेस काम करता है। हमारी एक पूरी टीम है जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर हमारी टीम मेंबर्स रहते हैं, और कोई भी टाइम, मतलब चाहे इंडिया में रात हो पर कहीं और दिन होता है उस वक्त, तो अगर किसी ने आधी रात को भी, कोई नई माँ बेचारी जाग रही है अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में, तो अगर उन्होंने कुछ अपनी क्वेरी ग्रुप में डाली तो उनको तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई मिलता है, सही जानकारी मिलती है। और ये जो एक काम है वो ये ग्रुप बहुत ही बखूबी करता है। आज ऑलमोस्ट 80,000 मेम्बर्स हैं इस ग्रुप में, और इतनी सारी माताएँ इस ग्रुप का फ़ायदा उठा रही हैं। और BSIM also is a registered NGO, आधुनिका प्रकाश is the founder member of BSIM, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक सोशल नोबल कॉज के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि आजकल जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, मार्केटिंग होता है फार्मूला कंपनीज़ का, और कई बार मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी कई बार कुछ कम इन्फॉर्मेशन या जानकारी के अभाव की वजह से, कई बार कुछ अलग अनएथिकल रीजंस की वजह से बच्चों के लिए इन्फेंट फार्मूला प्रिस्क्राइब करना, जैसे यू नो इट हैपन्स एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो वो नहीं हो। और जो हमारी ह्यूमन स्पीशी जो है उसके लिए जो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो चीज़ है माँ का दूध, वो हर बच्चे को उस चीज़ का हक है और वो मिल पाए, ऐसी जो हमारी कोशिश है वो उस कॉज के लिए हम सभी कमिटेड हैं, और वो हम काम इस वक्त कर रहे हैं। मैं हमेशा जब भी अपने आप को इमेजिन करती हूँ 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे एक राइटर के तौर पर ख़ुद को देखना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, ज़्यादातर उसमें राइमिंग वर्ड्स ही होते थे, पर फिर भी मैं लिखती थी। और आई थिंक तकरीबन 2 साल तक वो सिलसिला चला होगा, 4 से लेके 6 की उम्र तक मैंने बहुत सारी कविताएँ लिखी थी, पर जब मेरे ज़िंदगी में म्यूज़िक आ गया तो फिर वो थोड़ा सा छूट गया। अभी भी कभी कभी मैं कुछ कविता या कुछ छोटा सा आर्टिकल लिख लेती हूँ अपनी उस स्किल को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन मेरा ये सपना है कि मुझे उस पर फोकस करके लिखना है, क्योंकि जो भाषा का, जो मेरी ज़िंदगी पर प्रभाव है, जो कुछ मैंने भाषा के ज़रिए पाया है, ना सिर्फ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पर आनंद, जैसे कहते हैं ना जब मैं पढ़ती हूँ, जैसे मैंने कहा पढ़ाई, पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, रीडिंग का, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि साहित्य के आनंद को ब्रह्मानंद के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब भगवान आपको मिल जाए उतना आनंद आप सिर्फ लिटरेचर में से पा सकते हैं।
तो जो कुछ मैंने पाया है मुझे कुछ देना भी है, और मुझे लगता है कि मैं खुद को जब उस मुकाम पर पाऊंगी तो मुझे सच में ऐसे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सच में कुछ किया है। तो राइटिंग का मेरा एक सपना है, मुझे आगे चलकर मेरे दिमाग में कुछ स्टोरीज वगैरह है भी, तो शायद एक किताब कभी लिखूंगी मैं, ऐसा मेरा सपना तो है। इसके अलावा डबिंग की फील्ड में अगर बात की जाए तो मान लीजिए हॉलीवुड की कोई मूवी है और उसमें कोई इंडियन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, जिसके लिए वो लोग यहाँ पर ऑडिशन कर रहे हैं और मुझे ऑडिशन के लिए चांस मिलता है और मेरा वॉइस अप्रूव हो जाता है, और फिर मैं वहाँ जाकर उस ओरिजिनल प्रोजेक्ट के लिए वहाँ के लोगों के साथ इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ, तो ये मेरा एक सपना है कि ऐसा अगर हो जाए तो बहुत खुश हो जाऊँगी मैं। मैं छोटी थी तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसे मैंने बाद में आकाशवाणी के एक स्टेज प्रोग्राम में मैंने स्टेज पर से उसे पढ़ा भी था। ये कविता गुजराती में है तो मैं पहले सुनाती हूँ कि क्या है ये कविता। शरद पूनमनी रातड़ी ने तारा केवा जोड़े, शरद पूनमनी रातड़ी ने तारा केवा जोड़े, छाना माना वातों करता आकाश ने हिंडोड़े। जो नॉन गुजराती लोग हैं उन्हें मैं समझाऊँ कि शरद पूर्णिमा की रात है और तारे यानी कि सितारे सब एक साथ हैं, जोड़े यानी कि साथ में हैं, सब एक साथ मिले हुए हैं। और उसके बाद की जो लाइन है, पंक्ति जो है वो ये है कि छाना माना वातों करता आकाश ने हिंडोड़े, हिंडोड़ा यानी कि झूला। तो एक ऐसी कल्पना की है कि सारे जो सितारे हैं वो झूले पर बैठे हैं। अब ये झूला यानी क्या, मुझे याद है कि जब बचपन में हम लोग टेरेस पर जाकर स्टार वॉचिंग बहुत किया करते थे, तो पूरी आकाश गंगा एक छोटा सा ऐसा हल्का सा वाइट लेयर आकाश में दिखता था। अब तो सितारे ढूंढने मुश्किल हो गए हैं आकाश में, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, पर उस ज़माने में जब मैं छोटी थी तो सचमुच दिखता था। तो वो आकाश गंगा जब मेरे पापा ने और मम्मी ने मुझे पहली बार दिखाई थी तो वो जो एक मेरे दिमाग में बैठ गया था, वो उसको मैंने एक झूले की उपमा देकर मैंने इसमें उतारा है कि सारे जो सितारे हैं वो उस झूले में बैठे हैं और छाना माना बातों करते हैं, यानी कि चुपके से बातें कर रहे हैं। अब ये चुपके से क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा की रात है, ये ऐसी रात है जब चांद जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है और सितारे उसके सामने थोड़े से लाइट नज़र आते हैं। तो वो एक जो एक पूरी कल्पना है, एक बच्चा जिस तरह से, मतलब एज अ किड जो मैं समझी हूँ, उसको मैंने एक कविता में उतारा है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे खुद को ताज्जुब होता है कि बचपन में मैं इतना लिखती थी और अब मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो मुझे सच में कुछ करना चाहिए, और आई रियली होप कि मैं इस स्किल को और डेवलप करके कुछ अच्छा कर पाऊँ फ्यूचर में। डबिंग आर्टिस्ट्स की जो हमारी पूरी फ्रेटर्निटी है, उनके जो फैंस हैं और मेरे जो फैंस हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, सुना है और उसे पसंद किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो कौन हमारा काम सुनेगा और कौन देखेगा। तो ये एक बहुत कमाल की बात है हमारे लिए। जब भी ऐसे, अभी भी मुझे फेसबुक या ट्विटर पर मैसेजेस मिलते हैं कि आपका काम इस चीज़ में अच्छा लगा था, उस चीज़ में हमने देखा, उसमें अच्छा लगा था, और जब लोग रिकग्नाइज़ कर लेते हैं आपकी आवाज़ और सुनकर कह देते हैं कि अरे ये तो आपकी ही आवाज़ थी, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा काम सराहने के लिए, और अगर कभी भी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ फील फ्री टू टेल अस, क्योंकि वही एक चीज़ है जो फीडबैक जो मिलता है उसी से हम आगे इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि अगर इम्प्रूव करना है फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हु बेटर देन योर ओन ऑडियंस। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट एंड आई थैंक यू अ लॉट।